हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड से इस बीम को एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड आप जो इस बीम के लिए यूज़ कर रहे हो, बीम एक इनडिटर्मिनेट बीम है। बाकी सारा क्या प्रोसीजर रहता है इसका, हम लोग इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसको करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन भी सॉरी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको फिक्स एंड मोमेंट बताया था, याद होगा आपको। तो गाइस, यहाँ पे भी सबसे पहले आपको फिक्स एंड मोमेंट निकालना है अपनी इस बीम का। तो गाइस, एक चीज़ जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे मैं ए बी बीम को ले लेती हूँ, ठीक है। मान लो मेरा ए बी बीम है और मैं उसको दोनों साइड से फिक्स जो है कंसिडर करूँगी, इसी वजह से इस कारण ही मैं इसका फिक्स एंड मूवमेंट निकल पाऊँगी। अगर मैं इस बी को फिक्स कंसिडर नहीं करूँगी तो मैं इसको निकाल नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो इसके बीच पे लगा है 60 किलोन्यूटन का लोड, यहाँ से 3 मीटर आपको मिला है क्या डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो लोड है, ये लोड आपका प्रोड्यूस करेगा मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट और यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इस क्लॉकवाइज मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ मुझे एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इस एंटी क्लॉकवाइज को रोकने के लिए यहाँ से क्लॉकवाइज मूवमेंट मुझे देना पड़ेगा, तभी ये बीम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा और तो ये बीम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर फिक्स एंड मूवमेंट निकालेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम पे जो लोडिंग है, लोडिंग के अकॉर्डिंगली मैंने आपको यहाँ पहले ही मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो क्या कहते हैं फिक्स एंड मूवमेंट होता है निकालना बता दिया था। चलो देख लेते हैं इसका क्या होता है। एक्चुअल में इसका होता है आपका, मैं लिख देती हूँ फिक्स एंड मूवमेंट, ए से बी का चाहिए मुझे, ठीक है, ए से बी की तरफ। तो मैंने बोला था यहाँ से मुझे एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव कितना, PL/8, पी इज द लोड, एल इज द डिस्टेंस। तो कितना रहेगा, -60 × 6/8, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर माइनस का 45 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर मुझे ये आंसर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जो यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है वही यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ बी ए, ये हो जाएगा पॉजिटिव PL/8, इसका आंसर पॉजिटिव का 45 किलो न्यूटन पर मीटर रख लो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब वो बी से सी वाला उठा लीजिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है आपके पास UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कितने का, 12 किलो न्यूटन का, ठीक है, कितने पर, 6 पर। और UDL भी आपका कहाँ से, इसका जो CG होगा CG से ही जो मूवमेंट है वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही रिएक्शन देगा, ठीक है। तो चलो M B से C की तरफ फिक्स एंड मूवमेंट देख लेते हैं। तो B से C की तरफ रहेगा -WL² / 12, ठीक है, -WL² / 12। तो ये आपको देगा W इज कितना, 12 है, L कितना है, 6 × 6/12, ये कट गया, यहाँ हो गया माइनस का 36 किलो न्यूटन मीटर। एंड M C से B की तरफ जब आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 36 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। फिक्स एंड मूवमेंट कैसे निकालो, ये तो आपके फिक्स एंड मूवमेंट थे। अब गाइस, आपको यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, ओके। इसके बाद भी देखो, फिक्स एंड मूवमेंट आपने निकाल लिया, देखो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फिक्स है तो उसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, वो फिक्स है तो फिक्स के हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है गाइस कि ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपकी निकालनी है, देखो ये तो फिक्स एंड मूवमेंट था जो इस लोड के लिए लग रहा था, लेकिन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में भी आपको मूवमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है, मूवमेंट निकालना पड़ता है, मैक्सिमम मूवमेंट। अब वो जो मूवमेंट आप निकाल रहे हो, जब फिक्स एंड मूवमेंट तो मिल ही गया है आपको, फिर उस मूवमेंट की क्या जरूरत है, इसका मतलब कुछ लिटिल बिट मूवमेंट और आपको चाहिए, जिसकी वजह से आप फिक्स एंड मूवमेंट निकालने के बाद भी उस मूवमेंट को निकाल रहे हो। चलिए देखते हैं, पहले आपको स्लोप की इक्वेशन बता दूँ। मैंने क्या बोला था, जो लोड आ रहा है उस लोड को कैरी करने के लिए आपने मूवमेंट दे दिया, लेकिन फिर भी आप मूवमेंट निकाल रहे हो। तो सेकेंड स्टेप जो होगा आपका,
स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए बी बीम के लिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बिग एम ए बी, ए बी बीम के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एम बार ए बी, इट इज द फिक्स एंड मूवमेंट, ठीक है, फिक्स एंड मूवमेंट प्लस टू ई आई अपॉन में एल, ठीक है, और ब्रैकेट में टू थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस थ्री डिफ्लेक्शन अपॉन में एल, ठीक है, ये रही आपकी फिक्स स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और सबके लिए यही इक्वेशन चलेगी, तो ऐसा नहीं है किसी की इक्वेशन, इक्वेशन एक ही है, इसे याद कर लो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में, यहाँ पर चलो आंसर इसलिए दे देते हैं, यहाँ पर फिक्स एंड मूवमेंट आपने निकाला था कितना, माइनस 45 किलो न्यूटन यूनिट ने लिख दी, ठीक है, फिक्स एंड मूवमेंट आपने यहाँ निकाला था टू, जो ई आई है, ई आई कॉन्स्टेंट है तो ई आई को ऐसे ही रहने दो, एल देख लो इस पूरे बीम का एल कितना है, सिक्स है, ठीक है, एल कितना है, सिक्स है। बाकी अब आ जाओ इस पोर्शन पर, तो इस पोर्शन को थोड़ा देखो, एट ए, ए के ऊपर जो ए है आपका, ए क्या है, यहाँ पे एक फिक्स एंड है, फिक्स एंड मतलब फिक एंड फिक्स है, जहां पे भी एंड फिक्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था एट फिक्स एंड आपका थीटा यानी स्लोप जीरो और डिफ्लेक्शन ये दोनों ही जीरो होते हैं, तो एट द फिक्स एंड यानी थीटा टू ए ये हो जाएगा जीरो, हाँ बी पे कुछ डिफ्लेक्शन आएगा तो इसलिए बी वैसे ही रहेगा, एंड यहाँ डेल्टा यानी डिफ्लेक्शन ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ आपको क्या मिला, थीटा बी, सिर्फ थीटा बी, तो ये इसके बाद इंटू में आ जाएगा इंटू थीटा बी, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके, इसी तरह से अब आपको क्या निकालना है, एम बी ए, बी से ए की तरफ, ठीक है, बी से ए की तरफ जब आप आ रहे हो तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमको, तो एम बार ए बी, सॉरी बी ए, एम बार बी ए प्लस टू ई आई अपॉन में एल, इक्वेशन सबकी सेम रहेगी, किसी की कुछ चेंज नहीं हो रहा, टू थीटा, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज ये हो रहा है कि जो भी आपका फर्स्ट लेटर है बी है, बी से ए की तरफ जा रहे हो या ए से बी की तरफ जा रहे हो, थीटा उसी का ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पहले टू थीटा ए था, अब यहाँ पे टू थीटा बी हो गया है, ठीक है, प्लस थीटा ए माइनस थ्री डेल्टा अपॉन में एल, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मूवमेंट इस फिक्स एंड मूवमेंट कितना था, 45 पॉजिटिव का प्लस टू ई आई, एल कितना है, अभी भी सिक्स है, ठीक है, एल अभी भी कितना है, सिक्स है, ओके, इनटू यहाँ पर, अब ये चीज़ देखो ये पोर्शन कैसे करोगे, यहाँ पर थीटा बी इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं है, यहाँ पर स्लोप मिलेगा, पर थीटा ए जीरो है और ये भी जीरो है, ठीक है, तो थीटा बी कितना आ गया, थीटा बी विल बिकम, यहाँ पे टू थीटा, थीटा बी ही लिख दो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ से ये कैंसिल थ्री, ठीक है, ये कैंसिल कर दो तो टू बाई थ्री थीटा बी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको मेंबर, अभी ये आपका कौन सा था, ए बी, ए बी पर चल रहे थे, ठीक है, ए बी के बाद अब आपको क्या मिलेगा, कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है, ए बी के बाद क्या मिलेगा, एम बी सी, बी से सी की तरफ, ठीक है, तो जब हम बी से सी की तरफ जाएंगे तो फिक्स एंड मूवमेंट हमारा, मैं अभी ये इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, या चलो लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिक्स ही रहने दो, इसको अभी टू ही रहने दो, कटिंग में स्पेस घिर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया एम बार बी सी प्लस टू ई आई एल टू थीटा बी, ओके, प्लस थीटा सी, थीटा सी माइनस डेल्टा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखना कि यहाँ पर मूवमेंट जो था फिक्स एंड मूवमेंट जो इसका निकला था वो था माइनस 36, ठीक है, प्लस टू ई आई एल कितना है, सिक्स, सिक्स रहने दो। अब यहाँ पर थीटा सी जीरो, डेल्टा जीरो, बिकॉज दोनों फिक्स हैं, ठीक है, फिक्स पर, ठीक है, और तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इंटू टू थीटा बी, ठीक है, ये सेकेंड मान लो, ये थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, बी से सी चले गए थे, अब सी से बी आओ, ठीक है, सी से बी पे आओ,
चलो M C से B, तो M बार C B प्लस 2 EIL 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बॉन्ड में L, ठीक है। अगेन यहाँ पर थीटा C 0 है, डेल्टा 0 है, B मिलेगा, ठीक है, B मिल जाएगा आपको यहाँ। ओके, तो ये आ गया आपका 36 प्लस 2 EI L अगेन 6 है और यहाँ पे इंटू थीटा B, ये होगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी है, ठीक है, कौन सी कंडीशन देखनी है, जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके लिए आप जॉइंट पर जाओ, ठीक है, तो आपका जॉइंट क्या है, बी, बी जो है आपका जॉइंट है, जहां पे जॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो बी के ऊपर जो मूवमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो, ठीक है, बी के ऊपर जो मूवमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। तो M B A, B से A, जैसे पॉइंट B है ना, B इधर से, B से A एंड B से C, ठीक है, B लेना है, B मेन उठाना है, तो B से A प्लस M B से C, ये दोनों जो मूवमेंट दें वो जीरो दें, ठीक है, ये दोनों जो मूवमेंट दें वो जीरो दें, ठीक है। तो अब इन दोनों का आपको क्या लिखना है, इन दोनों का आपको इक्वेशन लिखनी है, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखवाई थी, ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। 45 प्लस 4 EI 6 थीटा B प्लस ये कितना था, माइनस 36 प्लस 4 EI थीटा B बाय 6 बराबर जीरो होना चाहिए था, ठीक है, जीरो होना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ देखो EI कांस्टेंट है, EI को वैसे ही रहने देना, EI को छेड़ना नहीं है, सिर्फ फिर उसके बाद थीटा B ही है जो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे एंड हमको यहाँ से थीटा B का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, एंड थीटा B का वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है माइनस 6.75 EI, ओके, ठीक है। चलिए अभी आपने जो इक्वेशंस बनाई थी, जैसे ये इक्वेशन बनाई है सी बी, ऐसे ही ए बी बी ए बी सी, ठीक है, अब उनमें सब में वैल्यू पुट करो, ठीक है, ये जो इक्वेशन बनाई है सब में ये वैल्यू थीटा बी की पुट करो, ये थीटा बी की वैल्यू पुट करने पर आपको फाइनल एंड मूवमेंट मिलेगा, वही तो आपको चाहिए, ठीक है, वही तो आपको चाहिए भाई। चलो जैसे मैं एम सी बी में ही कर देती हूँ, सबसे पहले पुट, यहाँ पे 36 प्लस 2 ई आई बाय 6 इंटू यहाँ कितना थीटा बी कितना था 6.75 EI, यही था 6.75 EI, ये माइनस का था, ओके, माइनस का 6.75 EI, चलो कैंसिल हो गया यहाँ से ये, ठीक है, बाकी बाकी सी बी का वैल्यू आपके पास आ रहा है प्लस 33.75 किलो न्यूटन, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, देखो ये है तो आपका माइनस में, बट यहाँ पर इस थीटा में माइनस माइनस कुछ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इसका वैल्यू ही वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एम आपके पास क्या था, ए बी भी था, ए बी में वैल्यू पुट कर दो, ए बी कितना था माइनस 45 प्लस 2 ई आई बाई 6 प्लस सॉरी थीटा बी था ना, थीटा बी तो उसकी वैल्यू पुट कर दो 75 EI, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 47.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब एम ए बी ए हो गया, बी ए कर लेते हैं, बी ए क्या है प्लस 45 प्लस 2 ई आई बाई 6, टू नहीं था ये 4 था ना, 4 ई आई बाई 6, ठीक है, इंटू 6.75 EI बराबर, ठीक है, बराबर कितना आएगा, ये आ गया आपका प्लस 40.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब रह गया क्या, एम बी सी, बी सी रह गया, ठीक है, तो बी सी में ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 36 प्लस 4 ई आई बाय 6 इंटू 6.75 बाय ई आई, ठीक है, क्या हो रहा है
यहाँ से सबके ई आई कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपको लास्ट का, ये आ गया आपका माइनस का 40.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, समझ गए। मूवमेंट आ चुके हैं सबके, ठीक है, यही आपका फाइनल मूवमेंट है। एक है आपका दिस, ठीक है, बी सी का, सी बी का सॉरी, फिर ये है, फिर ये है एंड ये है। अब इसको प्लॉट करना है, चलो प्लॉट करते हैं, बीम बनाते हैं और प्लॉट करते हैं। चलिए, प्लॉटिंग का तरीका मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, देख लेते हैं। चलो, ये आपका बीम था, ठीक है, दिस इज योर बीम, इसको रख कर, ये बीम है, यहाँ ये 60 एंड 33, यहाँ एक है और इसके ऊपर यूडीएल था, ठीक है, ये आपका बीम है, ये यूडीएल, ठीक है, ओके, ये हटा देते फिलहाल के लिए 60 किलोमीटर का पैम्फलेट। चलिए, अब जितने भी आपके पास, पहले तो मैं मेंशन कर देती हूँ जो भी आपके पास क्या थे, जितने भी आपके पास पहले, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट आपके पास नेगेटिव का था मूवमेंट, कितना मूवमेंट था नेगेटिव का, 47.25, ठीक है, ओके। उसके बाद एट दिस पॉइंट 40.5 एंड यहाँ से 40.5, ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट आपके पास जो मूवमेंट है 33.75, ठीक है, ये आपके पास मूवमेंट है। मैंने क्या कहा था, खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ आप, हो गए खड़े, यहाँ खड़े हो जाओ आप, ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट में नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, राइट में पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, ठीक है, यहाँ पे वही करना है, लेफ्ट राइट, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, ठीक है। चलो बना लो, बन गया फिर तो। यहाँ पर ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो ये ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, 47.25 तक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ आ जाए, 40 पॉजिटिव है यहाँ से, तो ऊपर जाएगा, ठीक है, कितना, 40.5। अब इस पे आ जाओ, इस बीम पे, बी से सी बीम पर आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो, इधर वाला नेगेटिव है, ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, नेगेटिव है ये, ऊपर जाएगा, कितना, 40 तक, पहले ही बना रखा है। इसके बाद यहाँ आ जाओ, 33, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है, ऊपर जाएगा, 33.75, ठीक है। चलो बन गया ये आपका मूवमेंट, ये जो मूवमेंट आ रहा था स्लोप मूवमेंट आ रहा था, उससे आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया। अब मैंने आपको बताया था इस पूरे बीम पर एक पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के लिए आपको यहाँ पर क्या बनाना होगा, पॉइंट लोड के लिए आपको यहाँ पर इस बीम को, ए बी बीम को सिंपली सपोर्टेड मानना होगा, ठीक है, ये ए है, ये बी बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड है, तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका क्या रहता है हमेशा, ये, ठीक है, इस तरीके से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा और ये पूरा है WL/4, करेक्ट, ओके। सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं, सिंपली सपोर्टेड की बात करेंगे जब हम बी से सी की तरफ, तो यहाँ पे एक कर्व आएगा, ठीक है, ओके, पैराबोलिक कर्व है, ये हो जाएगा WL²/8, ठीक है। चलो इसमें पुट कर देते हैं, रेड पेन से कर देते हैं। चलो ये हो गया आपका यहाँ से WL/4, ठीक है, एंड ये हो गया यहाँ से WL²/8, ठीक है। अब मुझे यहाँ इस टॉप की वैल्यू चाहिए, ये जो टॉप वाला पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन जो है ना आपका, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव था, देखो ये पूरा नेगेटिव था, ठीक है। इसके बाद आपने इसके ऊपर एक पॉजिटिव मूवमेंट का डायग्राम डाल दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो खत्म हो गया, तो इसको हटा दो यहाँ से, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, तो एक्चुअल डायग्राम आपका ये बन रहा है, ठीक है, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, एक्चुअल डायग्राम ये बन रहा है, जिसके अंदर ये जो चोंच है इसकी थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं,
सो कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये जो चोंच है ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड इसका भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अभी हमने निकाला नहीं है, चेक कर लेते हैं कैसे जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप इस पॉइंट पर आओ, ये पॉइंट कैसे निकलेगा। ए पॉइंट को मैं मान लेती हूँ ए बी सी, डी मान लेती हूँ और इस पॉइंट को ई मान लेती हूँ। तो जो डी पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, डब्ल्यू एल बाई फोर, डब्ल्यू एल बाई फोर माइनस 47.25 प्लस 40.5 का हाफ, ठीक है। जो भी आएगा वो इस पॉइंट का वैल्यू होगा। इसी तरह से ई का निकालेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट माइनस कितना है 40.5 प्लस 33.75 का हाफ, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज आएंगे, ठीक है। मेंशन कर देती हूँ, इसकी वैल्यू आ रही है 46.125, ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 16.875, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पूरा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बना दिया है। थैंक यू सो मच।